सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? स्वागत है गाइज आप लोगों का एक नए वीडियो के अंदर। सो फाइनली गाइज, आज आप लोग देख सकते हो हमारे फ्री फायर के अंदर बिल्कुल नया इवेंट आ चुका है, नया रिंग इवेंट आ चुका है, जो कि है गाइज अपना केओस रिंग इवेंट। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखो गाइज, हमको एक बंडल देखने को मिल रहा है जो कि यार बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बंडल होने वाला है। इसका एनिमेशन गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया एनिमेशन यहाँ पे ओपी एनिमेशन इसका होने वाला है। ओवरऑल गाइज यहाँ पे ये वाला बंडल बहुत ज़्यादा मस्त बंडल है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। उसके साथ यहाँ पर आपको एक बैकपैक देखने को मिलेगा, प्लस आपको एक गन स्किन देखने को मिलेगा। तो गन स्किन ये वाला अपना होने वाला है, और गाइज इसके साथ अपना ये वाला गाइज अपना बैकपैक होने वाला है। गाइज बैकपैक का स्किन यहाँ पे ठीक ठाक सा लग रहा है, प्लस आपको एक चक्कू का स्किन देखने को मिल रहा है। तो गाइज इस वाले इवेंट के अंदर हमारा टोटल कितना डायमंड लगने वाला है, वन स्पिन ट्रिक क्या रहने वाली है, सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। उसके साथ मेरे भाई लोग यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज हम लोग डायरेक्ट स्पिन नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वन स्पिन ट्रिक लगाने वाले हैं, उसके बाद ही हम लोग स्पिन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना, जो भी आपके हाथ में गन वन होती है ना उसको आपको हटा लेना है। तो हमारे हाथ में यहाँ पे शॉर्ट गन है, तो शॉर्ट गन को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं लॉबी से। उसके बाद आपको क्या करना, अपना कैरेक्टर वगैरह चेंज कर लेना। तो यहाँ पर आपको क्या करना, एडम कैरेक्टर यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है और 4 से 5 बार यहाँ पर आपको क्लियर कैच कर देना है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे 4 से 5 बार यहाँ पे क्लियर कैच कर लेते हैं। उसके बाद आपको जाना है अपने लक रॉयल के अंदर। तो चलिए गाइज लक रॉयल में चलते हैं। यहाँ पे आपको अपना जो गोल्ड रॉयल होता है ना, यस गाइस गोल्ड रॉयल में आपको 10 वाला स्पिन कर देना है। इसके बाद आपको चले जाना है अपने इवेंट के अंदर। तो चले गए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्पिन करते हैं 20 का। तो 20 में देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे मिलती है, क्या चीज़ हमको मिलती है, ठीक है। एक ही चीज़ मिलेगी। तो पहले स्पिन के अंदर हमको मिला यहाँ पे टोकन मिला हमको, फिर से स्पिन करेंगे, फिर से हम लोग 20 का स्पिन करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या मिलता है भाई। तो गाइज इसमें भी हमको यहाँ पर एक टोकन मिला है, फिर से स्पिन करेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे अभी करने वाले हैं 200 डायमंड का स्पिन। तो भाई 200 वाले में तो मिल जा भाई। तो गाइज टोकन, फिर से टोकन। तो गाइज फिर से हमको यहाँ पे टोकन मिल चुका है भाई, एक टोकन, दो टोकन, फिर से टोकन। अभी भी गाइज हमको टोकन ही मिला। तो भाई इस वाले स्पिन के अंदर भाई देख सकते हो पूरे स्पिन के अंदर हमको टोकन ही टोकन मिला, टोकन के अलावा कुछ भी चीज़ हमको नहीं मिला है। तो फिर से स्पिन करेंगे, इस बार गाइज हम लोग 20 डायमंड का यहाँ पे स्पिन करने वाले हैं। एंड इसमें देखते हैं गाइज हमको क्या चीज़ मिलती है। तो गाइज इसके अंदर भी गाइज हमको फिर से यहाँ पे टोकन मिल चुका है भाई, एक टोकन ही हमको मिला है। तो फिर से गाइज करेंगे 20 डायमंड का स्पिन, देखते हैं गाइज क्या मिलता है। फिर से भाई यहाँ पे टोकन मिल चुका है, दो टोकन हमको इस बार मिला है। तो भाई ये वाला इवेंट बहुत ज़्यादा महंगा इवेंट रहने वाला, बहुत ज़्यादा आपका डायमंड लूटने वाला इवेंट होने वाला है, ठीक है। अब गाइज़ बात करें भाई टोटल इसमें कितना डायमंड लग सकता है, तो लगभग गाइज़ आप लोग यहाँ पे मान के चलो तो गाइज़ 2000 के आसपास आप लोग डायमंड मान के चलो, ठीक है। या तो आपको देखो 2000 डायमंड के अंदर वहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, या फिर आप लोग आपके पास इतने टोकन हो जाएंगे आप लोग बंडल को आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो 2000 के आसपास आप लोग डायमंड मान के चलो। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे भाई लोग यार जय हिंद जय भारत।